हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप आई एम प्रदीप कुशवाहा स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग प्री पोजिशन जानेंगे प्री पोजिशन क्या होता है प्री पोजिशन वह शब्द है जो कि संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा सरो नाम से बताता है अ प्री पोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन ना प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन अदर नाउन ना प्रोनाउन हमने लास्ट की क्लास में यूज़ ऑफ इन और यूज़ ऑफ एट का प्रयोग सीख लिया था आज की क्लास में हम लोग यूज़ ऑफ़ ऑन यूज़ ऑफ़ अपान यूज़ ऑफ़ ओवर और यूज़ ऑफ़ इंटू का प्रयोग सीखेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं यूज़ ऑफ़ ऑन ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर या को ऑन का हिंदी में अर्थ होता है पर ऑन मीस पर या ऑन मीस को भी होता है इसको जानते हैं पहला नंबर इसका कहता है यूज़ करने का कि दिनों के नाम तथा तिथि से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं दिनों के नाम और तिथि से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई वॉज बॉर्न ऑन संडे मेरा जन्म रविवार को हुआ था आई वॉज़ बॉर्न ऑन संडे दिनों के नाम से पहले हमने ऑन का प्रयोग किया है उसी प्रकार से वी वर बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल वी वर बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल या यू वर बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल आई वॉज़ बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल तो यू वी आर बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल तुम्हारा जन्म पहली अप्रैल को हुआ था यहाँ पर क्या तिथि दी हुई है ये फर्स्ट अप्रैल तिथि दी हुई है तो यहाँ पर भी हमने प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग किया तुम्हारा जन्म पहली अप्रैल को हुआ था यू वर बॉर्न ऑन फर्स्ट अप्रैल इसका दूसरा नियम कहता है यूज़ ऑफ़ ऑन करने का यूज़ ऑफ़ ऑन का दूसरा नियम कहता है एक वस्तु दूसरी वस्तु पर हो तथा उसे छुए और स्थिर हो कैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो उसे छू रही हो और स्थिर अवस्था में हो वहाँ पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा द बॉय इज़ ऑन द रूफ़ लड़का छत पर है ऊपर है लड़का छत पर है टच टच किया हुआ है और स्थिर अवस्था में है छत क्या है स्थिर अवस्था में है द बॉय इज़ ऑन द रूफ़ लड़का भी स्थिर अवस्था में है द बॉय इज़ ऑन द रूफ लड़का छत पर है यूज़ ऑफ़ अपान का प्रयोग सीखते हैं यूज़ ऑफ अपान चौथा नंबर है यूज़ ऑफ अपान अपान क्या होता है अपान का हिंदी में अर्थ होता है पर या ऊपर एक वस्तु दूसरी पर हो जब एक वस्तु दूसरी पर हो तथा उसे छुए और ऐसा करने में गतिमान हो अर्थात यहाँ पर क्या था स्थिर हो यहाँ पर क्या है गतिमान हो अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर तो हो उसे छू भी रही हो लेकिन वस्तु गतिमान हो जैसे एग्जांपल समझिएगा ही क्लाइम्ड अपॉन द वॉल ही क्लाइम्ड अपॉन द वॉल वह दीवार पर चढ़ गया यहाँ पर क्या है दीवार तो स्थिर है लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो मूव कर रहा है गति कर रहा है दीवार पर चढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग अपान का प्रयोग करेंगे तो ही क्लाइम्ड अपान द वॉल वह दीवार पर चढ़ गया ठीक है ना जैसे ओवर का प्रयोग करना सीखते हैं ओवर क्या होता है ओवर को हिंदी में कहते हैं ऊपर ओवर मीन्स ऊपर इसको देखिए समझने इसको समझिएगा इसका उपयोग करने का नियम क्या है इसको यूज़ करने का नियम क्या है एक वस्तु दूसरे के ऊपर से होकर गति करे या स्थिर हो किंतु तो छुए नहीं कंडीशन अप्लाई है समय देखिएगा एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो गति करे लेकिन छुए नहीं स्थिर हो फिर समझिएगा एक वस्तु दूसरे के ऊपर से होकर गति करे स्थिर हो किंतु तो छुए नहीं जैसे ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल वह दीवार के ऊपर से चढ़ा दीवार को छू नहीं रहा है दीवार के ऊपर से चल रहा है ठीक है ना इस प्रकार से ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल वह दीवार के ऊपर से चढ़ा वो दीवार स्थिर है वो चल रहा है और छू भी नहीं रहा है तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना वो दीवार के ऊपर होकर गति कर रहा है और या स्थिर भी हो तब भी चलेगा लेकिन किन छू नहीं रहा हो दीवार के ऊपर हो गति करे चाहे स्थिर रहे लेकिन छुए नहीं ऐसी स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ओवर का प्रयोग करते हैं तो ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल वह दीवार के ऊपर चढ़ गया उसी प्रकार दूसरा है द फैन इज़ ओवर ऑन हेड यहाँ पर देखिए फैन गतिमान है चल रहा है स्थिर भी है और लेकिन छू नहीं रहा है छत को छू नहीं रहा है द फैन इज़ ऑन हमारे सिर के ऊपर है सिर हमारा सिर स्थिर है और वो भी एक प्रकार स्थिर है लेकिन गतिमान अवस्था में कह सकते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं हमने सामने हैं लेकिन छू नहीं रहे हैं हमारे सिर के ऊपर लेकिन हमारे सिर को छू नहीं रहा है वहाँ पर हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं द फैन इज़ ओवर आवर हेड पंखा हमारे सिर के ऊपर है उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है एन एरोप्लेन वॉज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी यहाँ पर भी देखिए एरोप्लेन गतिमान है शहर स्थिर है शहर के ऊपर ट्रेन रहा वो रहा वो शहर के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है और क्या गतिमान अवस्था में और छू भी नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी एक वायुयान नगर के ऊपर से उड़ रहा था ठीक है ना उसी प्रकार से हम इंटू का प्रयोग करना भी सीखते हैं इंटू का प्रयोग करना जानते हैं देखिए इंटू इंटू मीस का भी इंटू का भी हिंदी में अर्थ होता है मे ओवर मीस ऊपर अपान मीस पर और ऑन आनमीस पर या को लेकिन इंटू मीस क्या होता है मे इसको कैसे प्रयोग करते हैं पहला नंबर कहता है इसका देखिएगा ध्यान से कोई वस्तु अन्य स्थान पर या वस्तु के अंदर आए तथा गति हो ध्यान दीजिएगा जब कोई वस्तु अन्य स्थान पर अन्य स्थान या वस्तु के अंदर आए जब कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर आए और गतिमान हो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर आए या गतिमान हो तो वहाँ पर इंटू का प्रयोग करते हैं जैसे जैसे मोहन वेंट इनटू द ऑफिस मोहन दफ्तर में गया ये दफ्तर हो गया और ये मोहन हो गए और यह दफ्तर में जा रहे हैं इंटर कर रहे हैं ना गतिमान है ना, किस प्रकार से जब कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर जाए और गति कर रही हो तो वहाँ पर इंटू का प्रयोग कर रहे हैं मोहन वेंट इनटू द ऑफिस मोहन कमरे में गया जैसे एक और एग्जांपल समझ समझिएगा जैसे एक और एग्जाम्पल हमारा ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल कहता है वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाए जब दूसरा नियम कहता है जब वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो तब पर भी हम लोग वहाँ पर इंटू का प्रयोग करते हैं जैसे स्टीम चेंजेस इंटू वाटर भाप पानी में बदल जाता है स्टीम चेंजेस इंटू वाटर भाप पानी में बदल जाता है यहाँ पर भी देखिए उसकी दशा बदल रही है दिशा बदल रही है उसकी अवस्था बदल रही है तो यहाँ पर भी हम लोग उसमें किसका प्रयोग करते हैं इंटू का प्रयोग करते हैं वहाँ पर भी हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं जहाँ पर कोई नदी में स्नान कर रहा हो ही जम्प्ट इंटू द रिवर वह नदी में कूदा ही जम्प्ट इंटू द रिवर मान लिया ये रिवर हो गई मान लीजिए ये, ये रिवर हो गई ये कोई व्यक्ति हो गया है ये उसमें जंप लगा रहा है तो ये उसमें मूव करेगा और अंदर जा रहा है ना तो यहाँ पर भी हम लोग इंटू का प्रयोग करेंगे ही जम्प्ट इंटू द रिवर हो सकता है तो स्टूडेंट्स ये था आज हम लोगों ने ऑन का प्रयोग अपान का प्रयोग ओवर का प्रयोग और इन टू का प्रयोग पढ़ा सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ टू यूज़ ऑफ़ बाई यूज ऑफ़ विथ और यूज़ ऑफ़ विथ इन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद वंदे मातरम